पावर ऑन ऑफ है, ये साइकिल है, ठीक है। नंबर वन नॉर्मल है, नॉर्मल यूज अगर करते हो आप तो पावर ऑन कीजिए, साइकिल में नंबर वन पे रखिए और डिटर्जेंट डालिए, कपड़ा डालिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिक वॉश होगा, रेन होगा, स्पिन होगा, वो सेंसर बताएगा कितना मिनट वो चलता है, आपके वेट के हिसाब से वो टाइम दिखाएगा। ये दो नंबर है, ये क्विक वॉश है और ये डेलिकेट के लिए है, नॉर्मल वॉश के लिए। ये वो जो है बेडशीट है, जो भारी रहता है कपड़ा उसके लिए। ये जींस है, हेवी वाला जो जींस रहता है बहुत मोटा वाला, उसके लिए है। एनर्जी सेव है, थोड़ा एनर्जी सेव रहता है और पानी थोड़ा जो कम आता है उसके लिए। और ये इसमें सिर्फ रेन होगा, स्पिन होगा। और ये जो है इको ट्रॉबक लीन है, इसमें आपका इस पर आठ नंबर पे लाइएगा, आठ नंबर, ये महीने में एक बार आठ नंबर पे लाना है। उसके बाद यहाँ पर एक पाउडर रहता है, वो ड्रम क्लीनिंग का पाउडर रहता है, वो पूरा आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिक पानी लेगा, ये करेगा, एक दो घंटे का प्रोसेस रहेगा, वो वॉश होके सब ड्रेन हो जाएगा जो भी गंदगी रहेगा। नंबर वन है तो नॉर्मल है, जो भी इधर है ना नंबर, वो यहाँ पर लेके आएंगे, जिसपे भी रहेगा, तीन चार जिसपे भी रहेगा, चार नंबर मतलब बेडशीट के लिए, बेडिंग के लिए, ये सब दिया हुआ है इधर। उसके बाद जो भी सिलेक्ट करना है उसके बाद सिंपल स्टार्ट करना है। ये जो मशीन का डेमो दे रहा है वो वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वी कैन टेक दिस फैन व्हेरेवर इट गोस, एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई फील एट होम, कैन यू टेल मी व्हाई, cuz आई वांट टू नो, एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई फील एट होम, या आई वेव गुडबाय टू माय for some new hurts, my baby there the whole time, and it feels right. मेन फर्क आपको मैं बताऊं सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन में। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, वॉश एक ड्रम में होता है और वो कपड़े वॉश होने के बाद निकाल के उसको ड्राई करने के लिए अलग से उसके बाजू में ड्रम में डालना पड़ता है। और ऑटोमेटिक में ये सब चीज़ें एक ही ड्रम में हो जाती है, मतलब एक बार आप उसको चालू कर दो तो कंटिन्यूस प्रोसेस में वो आपको वॉश भी करता है, रिंस भी करता है और ड्राई भी करता है, सब साथ में हो जाता है। तो मतलब वो मगजमारी नहीं, फिजिकली आपको उसमें से कपड़ा निकाल के सेमी में डालना पड़ता है ड्रायर में, वो इसमें नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको डायरेक्टली एक प्रोसेस में ही हो जाता है। सेकेंड जो मेन डिफरेंस है इसका वो है स्पेस। समझो आप के पास जगह कम है अगर वॉशिंग मशीन के लिए, तो ऑटोमेटिक इज़ बेटर, वो छोटी सी होती है और एक ही ड्रम में काम होता है, इसके लिए उसका साइज़ छोटा होता है और कॉम्पैक्ट रहता है एकदम। जबकि सेमी ऑटोमेटिक जो होती है उसमें दो ड्रम होने की वजह से साइज़ उसकी बढ़ जाती है। सो डेफिनेटली जहाँ पे छोटे फ्लैट्स, इकोनॉमिकल फ्लैट्स हैं, छोटी जगह है वॉशिंग मशीन की, तो आप यू प्रीफर ऑटोमेटिक। इट इज़ रियली टाइम सेविंग ऑल्सो, आप उसको एक बार लगा के छोड़ दो, आप दूसरा काम कर सकते हैं उसमें, ऐसा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन अभी दे रहा है उसके बारे में, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और वो सब ध्यान से आप देखें, सुने और समझें उस मशीन कैसे चलाई जाती है। ये दोनों को दबा के रखेंगे तो लॉक हो जाएगा, उसके बाद ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा। वापस ये दोनों को दबा के रखेंगे, लॉक खुलेगा, तभी जाके ये सब काम करेगा। ये साइलेंट है, ये दोनों को दबा के रखेंगे, ये साइलेंट हो जाएगा, साउंड नहीं करेगा।